सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो पुण्य आत्माओं, इस विधान अनुसार वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला हददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है। इस नाम इस ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि हम, मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा को इस, ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्री मद देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में ये सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं, और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के, कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा
मैं तो अपने इन हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूँ। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्माओं उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरों जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्मवाटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है, जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। अरिन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ, अरे तेरा गजब। बैड अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है बैड, और कहीं भी लिखा हो छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता है, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, दास को या बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ।